हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्मोकी दाल तड़का। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि आपको स्मोकी फ्लेवर के ज़्यादा खाने मिलते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तुअर दाल लेंगे 150 ग्राम। इसको धोकर इसमें पानी डालें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली, मैंने 2 ग्रीन चिल्ली चॉप की, और टोमेटो मैं इसको ऐड कर लीजिए। इसमें हमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने बनाया था वो है 2 टीस्पून। उसके अलावा आपके रेगुलर मसाले, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट ले लीजिएगा, और आपका गरम मसाला डालें, टर्मरिक का पिंच डालें, सॉल्ट टू टेस्ट। रेगुलर मसाले हैं, इनको डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लिड लगाकर गलने तक। देखिए जगह जगह पानी का हिसाब अलग होता है कि कहीं कम गलती है दाल, जल्दी गलती है, और कहीं थोड़ा टाइम लेती है, तो आप अच्छे से दाल गला लें। मेरे दाल ने 20 मिनट लिए थे 2 सीटी, और उसके बाद ये दाल रेडी है आपके सामने। जब आपको दाल रेडी हो जाए तब हम इसको दूसरी साइड फ्राई करने के लिए तैयारी करते हैं। तो मैंने लिया है इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ड्राई ग्रीन चिल्ली 2, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, उसके अलावा ऑनियन। जब आपकी ऑनियन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए, इट मीन्स ब्राउन हो जाए, तब आप इसमें टोमेटो ऐड करें। दाल ऐड करने से पहले सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए पकाएं टोमेटो को, उसके बाद आप इसमें दाल ऐड कर दीजिए। दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी। अब हम दूसरी साइड चारकोल लेंगे, उसको हमें अच्छे से हीट करना है। फिर हम एक बाउल लीजिएगा स्टील का, उसमें आप इसको रख कर दाल के सेंटर में रख दीजिए। और आप अगर असली घी से इसको देना चाहती हैं स्मोक फ्लेवर तो असली घी, नहीं तो बटर ऐड करिए, और लिड लगाकर दाल को 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए, जब तक अच्छे से पूरा फ्लेवर दाल में ना चला जाए। जब आपकी डिश में ये स्मोक फ्लेवर अच्छे से आ जाए, तब आप बाउल जो है उसको निकाल कर एक साइड सेपरेट कर लीजिए, और कोरिएंडर और ग्रीन चिल्ली से मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से बारीक काट कर रख ली थी। इसको ऊपर से डालकर सर्व करें अपने घर में सभी लोगों को, रोटी या फिर चावल के साथ। सभी लोग आपके खाने की बहुत तारीफ़ करें, मैं दुआ करती हूँ, और आपकी दाल जो बने वो बहुत ही जायकेदार हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे एक बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक देना चाहती हैं तो नीचे कॉमेंट करना।